जिला जहानाबाद प्रखंड मखदुमपुर के ज्यादातर गांव में देखा जा रहा है कि सामुदायिक अधिकारों में काफी मात्रा में अन्याय बढ़ती जा रही है। प्रखंड दौरा के ग्राम धावत में स्वच्छ पेयजल योजना के तहत वार्ड अध्यक्ष के माध्यम से चापाकल लगवाया गया, लेकिन चापाकल लगने के एक साल बाद भी प्लेटफार्म नहीं बनवाया गया। जिस समस्या से ग्राम के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अच्छा, तो आपको सरकारी जो कल लगा है उससे आप क्या घर पानी पीते हैं? चार घर। अच्छा, तो वहाँ पर फोर्डिशन बनाया है? ना। काहे? काहे कि हम कहते कहते थक गए हैं, और कहता कि ईंटा लाइए, बालू लाइए, छड़ी लाइए। बोले कि हम ला के देंगे। हाँ, तब बनावेगा, ना तो हम नहीं बनावेंगे। तो इसके बारे में कहीं एप्लीकेशन लगाए हैं? ना। अगर फोर्डिशन नहीं बना तो इससे आपको क्या तकलीफ है? ना तकलीफ है, नहाए खींचे में तकलीफ है, कपड़ा उपड़ा धोने में तकलीफ है, पानी अंदर के अंदर से निकलता है, पानी अंदर ही में चल जाएगा, तब कौन फायदा होगा सर? तकलीफ ना है, अभी का जा पड़ी जरा लेकिन फैकन नहा है तो सब भुइया अथी में का पानी भर अथी कपड़ा भी चाहिए, सब कपड़े लग जाए, मट्टिये लग जाए। तो क्या होगा फिर, कठोत में धो लीजिए कपड़ा। बहुत दिक्कत है, कम से कम बन जाए के चाहिए। अच्छा, तो अभी इस मुद्दे के लेके कहीं अधिकारी से हम मिलेंगे तो आप लोग साथ दीजिएगा? हाँ, चलने के लिए कहेंगे कि चलिए मेरे साथ में, यहाँ की परेशानी है हैंडपंप में, तो कहीं आप जा सकते हैं? हाँ, मैं भी इसी गांव को महिला हूँ और मेरा भी ज्यादातर काम काज इसी चापाकल से हो रहा है। इस चापाकल का फोर्डिशन नहीं बनने से मुझे भी कई प्रकार का सामना समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और अपने समुदाय के लोगों साथ प्रखंड कार्यालय जाने का करने का जा रही हूँ। मैं दर्शकों बंधुओं से अपील करती हूँ कि प्रखंड विकास पदाधिकारी जिनका नंबर मोबाइल नंबर 94 31 81 78 78 पर कॉल कर दबाव बनाए, जिससे हमारे चापाकल का फाउंडेशन जल्दी बने। मैं यहाँ से जिला जहानाबाद से इंडिया अनहद के लिए।